चलिए, अब एक्स और बी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको निकालना है, ठीक है। एक्स इक्वल टू ए कॉस टी और वाई इक्वल टू साइन टी, ठीक है। चलिए, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इलिप्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर बी इक्वल टू वन, तो जीरो ओ, तो इसको जब सॉल्व करोगे जीरो टू ए बाई डी एक्स जीरो पाई बाई टू साइन टी डी टी, तो ये हो गया ए बी पाई बाई टू कॉमा जीरो साइन स्क्वायर टी और डी टी, वैल्यू पुट कर लो पाई ए बी अपॉन फोर, आंसर आ गया ए। क्लियर? चलिए, सिमेट्रिक एरिया अब यहाँ पे कह कर सेमेट्रिक होगा। तो देखो, जब सर्कल की बात हो रही है तो ये कुछ ग्राफ होंगे, जैसे इलिप्स हो गया, हाइपरबोला या पैराबोला या फिर सर्कल, ये सेमेट्रिक रहते हैं कुछ कंडीशन में, ठीक है। चलिए चलिए, अब इधर देखिए, चलिए चलिए, चलिए अब इधर देखो, ये सर्कल है तो रेडियस ए है, ठीक है। हमको एक निकालना है, उसका फोर टाइम कर देना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड एरिया जीरो ए डी एक्स, चलिए एक्स वाई टू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर ए कॉमा जीरो, वैल्यू पुट कर दो फोर पाई बाई टू ए स्क्वायर बाई टू पाई और ए स्क्वायर, ठीक है। कौन ऑप्शन है? ऑप्शन है आपका बी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अब देखो टेन बाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, ठीक है। फाइंड द एरिया बाउंडेड कर्व एंड इट लेटर सेक्टम, लेटर सेक्टम होता है, ठीक है। लेटर सेक्टम क्या होता है? ये जाता है, तो ये जाता है आपका फोकस से, तो वन आ गया, फोकस तो वन है ही, ए इक्वल टू वन आ गया आपका, ये फोकस है वन कॉमा जीरो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए चलिए, अब यहाँ पे हम टू जीरो वन, ठीक है, फोर एक्स डी एक्स, चलिए फोर टू बाई थ्री थ्री अपॉन टू वन कोमा जीरो एट अपॉन थ्री, ये आंसर आ गए।
चलिए 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 एरिया बिटवीन टू कर्व, चलिए व्हेन बोथ कर्व इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट, अब दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट पे, उनके बीच का एरिया आपको निकालना है। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दो बीच का एरिया निकालना है। यहाँ पे ये एक कर्व अलग है और ये वाला अलग है, ठीक है, ये वाला अलग है, क्लियर हुआ। चलिए 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 पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव से होगा, ठीक है, तो एरिया पॉजिटिव नेगेटिव होगा पर टोटल पॉजिटिव ही मांगा जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है, इनका एरिया निकालना है, ठीक है, तो ये इधर का एरिया और इधर एरिया, ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया, चलिए तो रिक्वायर्ड एरिया, dx, चलिए 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 तो टू तो बाहर है, इसको लिखोगे ax स्क्वायर अपॉन टू वन कॉमा जीरो माइनस एक्स थ्री अपॉन थ्री वन कॉमा जीरो, ठीक है। चलो वैल्यू पुट कर लो, तो टू माइनस, चलिए वन बाई थ्री, वन बाई थ्री बी है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, चले ट्वेल्व, चले द एरिया बाउंडेड कर्व, दो एरिया कर्व है और x माइनस वन से x माइनस टू तक एरिया निकालना है, ठीक है, x माइनस वन से x माइनस टू तक निकाल लो। तो रिक्वायर्ड एरिया हो गया, वन से टू दिया ही गया है, बड़ा वाला थ्री है, छोटा वाला ये है डी एक्स, क्लियर हुआ। चलिए चलो फोर अपॉन फोर टू वन, चलिए टू टू पुट कर दो, फोर माइनस माइनस, चलिए फोर बचा एट अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन थ्री प्लस वन बाय थ्री, तो एलसीएम लेता है लेंगे ट्वेल्व चौबीस फोर्टी एट माइनस फोर का मल्टीप्लाई माइनस बारह प्लस फोर सेवेंटीन अपॉन ट्वेल्व, क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे आ जाओ,
अब इधर आ जा 13 पे, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई द कर्व, एक कर्व ये रहा और वाई एक्सिस, इन दोनों में कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, लगा दो इसमें, तो ये डायग्राम ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 to 1 dx। ठीक है, जीरो ले लो ब्रो, 1/2, 1/3, 1/6। ठीक है, 1/6 हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, चले अब यहाँ पे दो कर्व दिए गए, एक्स इक्वल टू ये दिया गया है। ठीक है, एरिया निकाल दो, एरिया एरिया तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा, क्लियर। चलो आंसर क्या आ गया, बी आंसर आ गया आपका। 15 पे आ जाओ, 15 में दो कर्व है, ठीक है, तो बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स के बाई इन दोनों को इंटरसेट करोगे तो ये इस पॉइंट पे 0, 4 पे इंटरसेट करे, तो रिक्वायर्ड एरिया 0 to 4 यही होगा। चलो तो अब माइनस कर लो, तो 2 √x − dx, तो ये आपका आ गया। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 16/3 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। ट्रिक है, ट्रिक का भी यूज कर सकते हो, ट्रिक कुछ नहीं रहती, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ट्रिक है याद है तो ट्रिक का कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। इधर आ जाइए, द एरिया बाउंडेड द रीजन द एक्सिस लाइन x0 / 0। ठीक है, चलिए अब साइन है 0 से π के बीच में। ठीक है, चलो 0 to π, तो 0 dx cos x 0 2 हो गया, आंसर 2 आ गया, 2 हो गया। चले चले 7 पे आ जाओ, अब इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल के क्लोज निकाल लो, समझ रहे हो। एरिया का राइट फार्मूला भी लगा सकते हैं, फार्मूला ये होता है आपका, समझ रहे हो। अगर कोई एरिया दिया है वाई स्क्वायर इक्वल 4x और ये लाइन दी है वाई इक्वल टू mx, तो एरिया होता है 8a² / 3m², क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए ऐसे ही इसमें है, इसमें ठीक है, इसमें भी आप कोई प्रॉपर्टी लगा के इसको जो पहले कर रहे थे x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में इनको सॉल्व करना है। ठीक है।